कुछ टाइम पहले मैंने इस केक का छोटा सा वीडियो डाला था जिसे आप सब ने बहुत पसंद किया था। आज मैं इस केक का फुल रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है ये केक। अगर आपका केक सॉफ्ट नहीं बन पाता है या कच्चा रह जाता है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बनाते हैं इस केक को। सबसे पहले 2 कप मैदा लेंगे। अब इस मैदे में से 2 बड़े चम्मच मैदा अलग कर लेंगे। एक्स्ट्रा मैदा को हटा लें। उसी चम्मच से 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर मिलाएं, उतना ही मिलाएं जितना मैदा निकाले थे। 1 कप पिसी हुई चीनी लें। 2 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर लें। 1 और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा लें। 1 छोटा चम्मच नमक। 1 कप और आधा कप मिल्क पाउडर लें। 1/2 कप रिफाइंड ऑयल। अब 1 कप पानी लें और थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाते जाएं। बहुत ही धीरे धीरे मिलाएं। अगर आप जल्दी जल्दी मिलाएंगे तो इसमें एयर बबल्स आ जाएंगे जिससे केक अच्छा नहीं बनेगा। 1 बड़ा चम्मच वनीला एसेंस। अब अच्छे से मिक्स करें। मैंने 1 कप पानी बस लिया था, उसी में ही बैटर अच्छे से तैयार हो गया। अब 1 बर्तन लें और उसमें कुछ बूंदे तेल डालकर अच्छे से फैला लें ताकि केक हमारा बर्तन में ना चिपके और केक का पूरा बैटर उस बर्तन में डाल दें। मैं घर के बर्तन में ही केक बना रही हूँ, कोई केक टिन नहीं ली हूँ। आप घर के बर्तन में भी अच्छे से केक बना सकते हैं। जिस तरह से मैं उसे हिला रही हूँ आप भी वैसे ही हिलाएँ ताकि उसमें जो एयर बबल्स होंगे बाहर निकल जाएंगे। जिस बर्तन में केक बनाना है उसे 10 मिनट पहले ही गैस पर चढ़ा दें ताकि वो गर्म हो जाए और उसमें केक वाला बर्तन रख दें। गैस को लो फ्लेम पर रखें, ऊपर से ढक दें और 45 मिनट के लिए बेक करें। उससे पहले ढक्कन खोलकर ना देखें। 45 मिनट के बाद एक प्लेन चाकू बीच में डालें और चेक करें। अगर केक चिपका हुआ है चाकू में तो केक को और 5-10 मिनट पकने दें, और अगर केक नहीं चिपका हुआ है तो केक को बाहर निकाल कर ठंडा कर लें। मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर सेलेक्ट करें। बाय फ्रेंड्स।